दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वंडरलस्ट। तो हम लोग इस वक्त हैं भीमताल लेक के पास में और भीमताल से हम लोग जाने वाले हैं नकुचिया ताल देखने। तो इससे पहले वीडियो में मैंने दिखाया था सात ताल, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। बहुत सारे मैंने अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाए उत्तराखंड सीरीज़ के। और भीमताल से नकुचिया ताल लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है, तो अभी हम भीमताल से निकल रहे हैं और नकुचिया ताल पहुँचते हैं। वो आपको दिखाते हैं कि वो कैसा दिखता है और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल पाती हैं हमको। हम लोग नकुचिया ताल के लिए निकल चुके हैं और रास्ते में ये हनुमान मंदिर पड़ता है जिसको हम वापसी में विज़िट करेंगे। नकुचिया ताल आ चुका है, यहाँ से नकुचिया ताल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे लेफ्ट में कुछ रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। नकुचिया ताल का रास्ता यही है क्या भाई? आगे और अगर आप नकुचिया ताल आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीक जो फेमस जगह है वो है भीमताल। भीमताल से लगभग 5 किलोमीटर के आसपास इसका डिस्टेंस है और वहाँ से आपको बहुत ही आसानी से टैक्सी मिल सकती है और काठगोदाम तक आप ट्रेन से आ सकते हैं और काठगोदाम से आगे आप टैक्सी से या बस से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में कमल ताल आ गया है, ये एक तालाब है जिसमें बहुत सारे कमल खिलते हैं। काफ़ी बड़ा तालाब है। ये सीधा रास्ता जो यहाँ से जा रहा है ये आगे जा करके नकुचिया ताल पहुँचेगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कमल ताल और ये कमल ताल भी काफ़ी बड़ा ताल है, इसमें बहुत सारे कमल के फूल खिले रहते हैं। और नकुचिया ताल हम लोग बिल्कुल पहुँचने वाले हैं, लेक आने वाली है। ये मार्केट आ गया नकुचिया ताल का। एडवेंचर ग्रीन वाटर जिप लाइन कायकिंग क्रॉसिंग कायकिंग हो जाएगा और आपका लेक क्रॉसिंग हो जाएगा। ये जिप लाइन कहाँ से कहाँ जाती है सर? ये हमारे पास लेक क्रॉसिंग। अच्छा, लेक क्रॉसिंग। अभी जिप लाइन एक एक पार्ट है, जैसे जिप लाइन में तो ऐसा होता है कि आप एक छोर पे बैठ गए दूसरे पे उतर गए, इस पे ऐसा है इसमें आना जाना दोनों रहता है। अच्छा, वापस खींच लोगे? जी हाँ, उसमें एक्टिविटी होता है ना, जैसे जिप लाइन भी मिलेगा आपको पर एक पॉइंट पे जाकर रुक जाएगा ऑटोमेटिक। फिर बचे हुए जो पीछे की तरफ बसता है जो हिस्सा उसमें आप क्लाइंबिंग कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम खुद ही पुल करेंगे, एक पॉइंट पर लाएंगे जहाँ पर वाटर बाउंस होगा, फिर पुल करेंगे एक पॉइंट। अच्छा, समझ गया, मैंने वहाँ अभी 7 साल में देखा था, बच्चे कर रहे थे वो। कितने का होता है? 500। रास्ता कहाँ से है? नीचे चले जाओ। ये कार आ रही है, आओ अक्कू आ जाओ। तो ये है नकुचिया ताल का रास्ता। ये कमल ताल है लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें कमल की पत्तियाँ हैं, फूल तो नहीं है क्योंकि अभी सीज़न नहीं है। राइट में यह है नकुचिया ताल, यहाँ पे बोट्स हैं बहुत सारी। बड़ी लंबी जिप लाइन है यार उसकी, वहाँ से जा रहा हूँ वहाँ से इतनी तेज़ स्पीड में। देखा तुमने अभी? अभी देखना आएगा। जैसा कि नाम से पता लगता है कि नकुचिया ताल का मतलब है 9 कोने वाली लेक। ये एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा हिल स्टेशन है जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1220 मीटर है और ये एक नेचुरल लेक है जिसमें पानी अंडरग्राउंड वाटर स्प्रिंग से आता है।
नकुचे ताल को नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी लेक्स हैं उनमें सबसे गहरी लेकों में से एक में जाना जाता है। इसकी लंबाई 983 मीटर है और चौड़ाई 693 मीटर है और गहराई लगभग 40 मीटर है। पूरी लेक घने पेड़ पौधों से घिरी हुई है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये कुमाऊं मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस है। यहाँ से लेक का व्यू बहुत अच्छा आता है और साथ में ये बार और रेस्टोरेंट भी है इनका, तो यहाँ पे सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी और इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सामने ट्रैम्पोलिन लगा हुआ है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। पास में कुछ एक दो छोटे मोटे काउंटर है जहाँ पे चाय कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल जाती हैं। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नकुचे ताल में और मेन रोड से थोड़ी सीढ़ियाँ उतर करके नीचे ये ताल है। तो दो यहाँ पे एक छोटा सा तालाब है और दूसरा ताल है। तो नकुचे ताल जो है वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, इधर यहाँ पे। और यहाँ पे ये राइट साइड में ये एक पॉन्ड है कमल का। तो अभी तो मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं ये एक छोटा सा तालाब है। यहाँ पे कमल के फूल बहुत सारे उगते हैं। इस वक्त सीज़न नहीं है इस वक्त, तो इसलिए कमल के फूल नहीं उगे हुए हैं, खिले हुए नहीं हैं और सिर्फ पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं। अगर सीज़न होता है तो बहुत सारे कमल के फूलों से ये तालाब भरा हुआ दिखाई देता है। तो एक तरफ ये कमल ताल है और दूसरी तरफ है नकुचे ताल। मेरे पीछे जो आप ये लेक देख रहे हैं ये है नकुचे ताल। और नकुचे ताल इसलिए पड़ा है नाम क्योंकि इसके 9 कॉर्नर्स हैं और कहा जाता है कि अगर कोई एक बार में किसी पॉइंट से 9 कोने देख ले तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पीछे बड़ी सुंदर सुंदर सी बोट खड़ी हुई है, जैसे कश्मीर में शिकारा होती है उस तरह की शिकारा यहाँ पे बनाई हुई है, बड़ी सुंदर सुंदर सी। और नैनीताल में इस तरह की बोट नहीं होती, ना ही सात ताल में थी ना ही भीमताल में थी, सिर्फ नकुचे ताल में इस तरह की शिकारा बोट मुझे अभी दिखाई दे रही है जो कि बड़ी ही सुंदर लग रही है। यहाँ पे बोटिंग के अलावा और बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे जिप लाइन होती है जिसके 500 रुपए चार्ज है। काफी लंबी जिप लाइन है और वो बता रहे थे कि डबल है, मतलब भेजेंगे और फिर वापस खींच भी लेंगे। और जॉर्बिंग भी होती है, जॉर्बिंग व्हील मेरे पीछे है यहाँ पे। एक जॉर्बिंग व्हील शायद कैमरे में आपको बता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन एक जॉर्बिंग व्हील रखा हुआ बहुत बड़ा सा, तो जॉर्बिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज है यहाँ पे और चारों तरफ कई सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, खाने पीने के भी हैं। तो घूमने के लिए ऑल ओवर बहुत अच्छी जगह है। ये नकुचे ताल की मेन मार्केट है और यहाँ पे कुछ छोटे मोटे ढाबे हैं खाने पीने के लिए और कुछ शॉप्स भी हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं अपने लिए। यहाँ के लोकल कुछ सामान ले जा सकते हैं, सोवेनियर्स ले जा सकते हैं। कैंडल्स नैनीताल में फेमस है तो यहाँ पर कुछ कैंडल्स भी मिलती हैं और यहाँ लोकल बनी हुई लकड़ी का सामान और बाकी कई सारी चीज़ें भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कैंडल रखी हुई हैं, छोटी बड़ी अलग अलग साइज़ की हैं और देखने में काफ़ी सुंदर हैं। और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे यहाँ की लोकल ही बनी हुई रखी हुई हैं तो वो आप खरीद सकते हैं और अपने घर ले जा सकते हैं। तो नकुचे ताल हमने पूरा विज़िट कर लिया है, अब हम वापस निकल गए हैं हल्द्वानी की तरफ। रास्ते में ही नकुचे ताल के पास में ही पड़ेगा ये हनुमान मंदिर जो कि सामने दिख रहा है। तो अभी हम हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे। ये देखिए कितनी ऊंची मूर्ति है, काफ़ी ऊंचाई है इसकी, काफ़ी बड़ी है, दूर से दिखाई दे जाती है। नकुचे ताल जाते हुए रास्ते में ये एक हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति आपको दिखाई देगी। ये एक हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत ही सुंदर यहाँ पे मूर्ति है, काफ़ी ऊंची रोड से आपको दिखाई पड़ती है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके दर्शन करने के लिए, आपको भी दिखाते हैं इस सुंदर मंदिर को। ये मंदिर का एंट्रेंस है,
यहाँ से अंदर जाएंगे तो कुछ ऐसा नज़ारा आता है, सामने ही मंदिर बना हुआ है। और ये इसको एक तरह का व्यू पॉइंट भी कह सकते हैं, यहाँ से आप नकुचिया ताल का पूरा व्यू देख सकते हैं, सामने सारे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ। और ये देखिए वैली का कितना खूबसूरत व्यू यहाँ से आता है, नीचे सारे हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं और चारों तरफ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ये है हनुमान मंदिर। तो ये सड़क से कुछ ऐसा व्यू है हनुमान जी के स्टैचू का, और इन्होंने इसके स्टैचू के नीचे एक बड़ा ही सुंदर सा गार्डन भी बनाया हुआ है, फाउंटेन भी है यहाँ पे, पानी भरा रहता है, बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ से देखने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।